दोस्तों अगर आप भी स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों WPL सीजन 1 का चौथा मुकाबला आज मुंबई और RCB के बीच में खेला गया, जिनमें दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया, जहां RCB से ऋचा घोष और एलिस पेरी की शानदार बल्लेबाजी के बाद हरमनप्रीत कौर ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर सभी दंग रह गए। आखिर क्या हुआ हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के बीच, ये तो आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे इस मैच की पूरी हाईलाइट क्या रही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बेंगलोर और मुंबई के बीच आज बर्बन स्टेडियम मुंबई में वुमेन प्रीमियर लीग का चौथा मुकाबला खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां मुंबई ने अपनी टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया। वहीं बेंगलोर ने अपनी टीम में एक बदलाव किया जिसमें उन्होंने श्रेयांका पाटिल को टीम में मौका दिया। दोस्तों इस मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग पर उतरी स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन, ये दोनों ही बल्लेबाज अपने पिछले मैच की हार का बदला लेने के लिए मैदान पर कुछ अलग ही इरादे के साथ उतरी थी। मुंबई की तरफ से पहला ओवर करने के लिए मैथ्यूज आई, जिनके ओवर की दूसरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने चौका जड़ दिया और इस ओवर की आखिरी गेंद पर सोफी डिवाइन ने ऐसा गगनचुंबी छक्का मारा जिसके बाद RCB को पहले ओवर में स्कोर 11 रन हो गया था। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज इतने खतरनाक नजर आ रहे थे जिसको देखकर मुंबई के गेंदबाजों के पसीने छूट रहे थे। वहीं मुंबई की तरफ से अब दूसरा ओवर करने आई सीवर ब्रंट, जिन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर स्मृति मंधाना को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने ऐसी गेंदबाजी करी कि स्मृति मंधाना बिल्कुल बड़े शॉट खेलने के लिए तड़प रही थी, जो कि तीसरी गेंद पर दिखाई भी दिया। उन्होंने तीसरी गेंद पर ऐसा पुल शॉट खेला है जिसको देखकर मुंबई की कैप्टन हरमनप्रीत कौर के चेहरे के 12 बज चुके थे। स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनको आज रोकना मुश्किल ही नहीं असंभव है। दूसरे ओवर में अंत में RCB ने बिना विकेट खोए 17 रन बना लिए थे। वहीं मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर करने आई पहले मैच की मिस्ट्री स्पिनर इसाका काले का, जिनका सोफी डिवाइन में टॉके के साथ स्वागत किया। हालांकि इसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए इसाक ने अगली 4 गेंदों पर कोई भी रन नहीं दिया और इस ओवर में आखिरी गेंद पर मात्र 1 रन आया, जिसके बाद RCB का स्कोर बिना विकेट खोए 22 रन हो चुका था। हालांकि WPL के अभी तक के इतिहास को देखा जाए तो RCB का यह स्कोर बहुत ही कम था, क्योंकि पिछले हुए 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम में 200 से अधिक का स्कोर किया। और अगर आज RCB को भी 200 से अधिक का सपोर्ट करना है तो उन्हें पहले ओवर में पहले पावर प्ले में कम से कम 60 रनों से ज्यादा का स्कोर करना पड़ेगा। मुंबई की एक सदी हुई शुरुआत के बाद चौथा ओवर डालने आए इसी बहाने जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी की थी, उनके आते स्मृति मंधाना उनके ऊपर टूट पड़ी और ओवर की तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव में शानदार चौका जड़कर मुंबई को यह संदेश दे दिया कि आज वो कुछ बड़ा इतिहास रचने के लिए आई हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर भी स्मृति मंधाना में कट शॉट की जरूरी है, 4 रन और लगाए, अब बारी थी इस ओवर को बड़ा बनाने की। तो आखिरी गेंद में स्मृति मंधाना ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेलकर एक और चौका जड़कर टीम का स्कोर 4 ओवर में 35 रन पर पहुंचा दिया। वहीं 5वां ओवर करने आई इसाक ने इस बार इरादे से उतरी थी कि इस ओवर में मुंबई की वापसी कराएंगी, लेकिन सोफी डिवाइन ने उनकी पहली गेंद पर एक ऐसा जड़ीला चौका मारा जिसमें उनके इरादे एकदम पस्त पड़ गए। लेकिन उन्होंने अगली ही गेंद पर वापसी करते हुए सोफी डिवाइन को अमनजोत कौर के हाथों कैच कराकर मात्र 16 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी। यहां से RCB की राह अब काफी मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि RCB ने 4.2 ओवर में 39 रनों के स्कोर पर 1 विकेट खो दिया था। और अब बल्लेबाजी करने आई थी कसात, जिन्होंने अपने T20 करियर में 59 मैचों में 1167 रन बनाए थे, लेकिन मैं यहां कुछ खास नहीं कर सकी और अपनी दूसरी गेंद पर बोल्ड हो गई और कालिका को इसे ओवर को दूसरा झटका मिल गया, जहां से कालिका ने मुंबई की शानदार वापसी कराई। हम बल्लेबाजी करने आई RCB की घातक ऑलराउंडर एलिस पेरी, इन्होंने आते ही दूसरी गेंद पर इशाक कालिका को चौका जड़कर ये बता दिया कि आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। स्टार्कर के बाद RCB का स्कोर 5 ओवर में 43 रन पर 2 विकेट हो गया था। वहीं पावर प्ले का आखिरी ओवर फेंकने आए मैथ्यूज, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 11 रन दिए थे। वहीं उन्होंने RCB की कैप्टन और ओपनर स्मृति मंधाना को अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ही वांग के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद RCB की टीम एकदम बैकफुट पर नजर आ रही थी, इनका मैच में वापसी करना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि RCB ने 6 ओवर के अंदर ही अपने 3 बहुमूल्य विकेट खो दिए थे। अब बल्लेबाजी करने आई नाइट, जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफी शानदार बल्लेबाजी करी थी, वो भी इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और पहली गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गई। पहले ओवर में 11 रन देने के बाद मैथ्यूज ने अपने दूसरे ओवर में शानदार वापसी करते हुए अपनी पहली 3 गेंदों पर 2 विकेट निकालकर RCB को चारों खाने चित कर दिया था। वहीं बैटिंग के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़कर RCB की
उम्मीद को जलाकर रखा। वहीं 6 ओवर में अंत में आरसीबी का स्कोर 45 रन पर 4 विकेट हुआ, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि आरसीबी मुंबई को एक चैलेंजिंग स्कोर दे ही देगी, क्योंकि ऋषभ घोष और एलिस पैरी जिस तरीके से बल्लेबाजी करती है उसको देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। 7वें ओवर की पहली गेंद पर एलिस पैरी ने कुछ ऐसा ही किया, 76 मीटर का छक्का जड़ा मुंबई के गेंदबाज केयर को तारे दिखा दिए और उनकी बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था कि आज आरसीबी मुंबई को पहली इनिंग में 150 से 160 के बीच में स्कोर देंगी। आप सभी को क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस एक बार वुमेन आईपीएल सीजन 1 जीत पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।